हे गाइस, तो मैं अभी सीधा अपने किचन में आ गई हूँ और आप सब लोगों को लेके आई हूँ गीत के संग गीत के किचन में। तो मॉर्निंग रूटीन में मेरा जितना भी सारा काम होता है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है और आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो देरी ना करते हुए आज के ब्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैं लेके आई हूँ चिंगड़ी माछ। बंगाली में चिंगड़ी माछ बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं झींगा फिश, झींगा फिश। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट हर नॉन वेजिटेरियन को ये जो फिश है ये पसंद होता है, नो डाउट। तो इसका मैं आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाली हूँ। बट मेरा काम अभी बढ़ गया है, पता नहीं, हर बार तो एकदम बना के एकदम क्लीन करके देता है जहाँ से हम लोग फिश खरीदते हैं, बट इस बार तो इसको बनाने में मेरे को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको पूरी तरह से अभी मेरे को क्या बोलते हैं क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन वर्क के इसका ये जो है हेड का जो पोर्शन होता है ये सब कुछ मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। पता नहीं, हर बार तो पूरा एकदम बना के क्लीन व्लीन करके एकदम अच्छे से देता है, इस बार बना के नहीं लिया है, आई मीन क्लीन करके। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो बोलूंगी जरूर मैं। तो ये मेरा काम बना दिया। अरे, इस मछली का जो रेसिपी होता है बहुत लोग बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आज का मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इस मछली का, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, जल्दी भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और मैं आगे से ट्राई करूंगी कि वेज आइटम्स में भी शेयर करने का रेसिपी जो है। मेरे को जो जो आता है इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन नॉर्मली मैं जो बना पाती हूँ और मैं बना के अपने फैमिली वालों को जो खिलाती हूँ वो सब कुछ मैं वेज आइटम्स में भी शेयर करने की ट्राई करूँगी। क्योंकि मेरे को ये पता नहीं कि मेरे जो व्यूअर्स है, रेगुलर व्यूअर्स, उनमें से कौन वेजिटेरियन है और कौन नॉन वेजिटेरियन है। तो वेज आइटम्स में भी शेयर करने से जो वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए भी थोड़ा फायदेमंद हो, और नॉन वेजिटेरियन जो है उन लोगों के, तो मैं रेसिपी ऑलमोस्ट मैं नॉन वेज में ही ज़्यादा मैं शेयर करती हूँ, तो डेफिनेटली उन लोगों का भी थोड़ा हेल्प होगा। जो ये मछली खाए वो बोलता ही रह जाए। इसको अच्छे से मैंने क्लीन करने के बाद इसको अच्छे से मैंने वॉश भी कर लिया है, अभी इसको मैरिनेट करना पड़ेगा। सच में ये सब क्लीन करने में बहुत टफ है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करते, जहाँ से लेते हैं वहाँ से ही क्लीन करके लेके आते हैं, तो हम जब करने लगते हैं तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो फाइनली मेरा यहाँ पे हो गया, अभी मैं मैरिनेट करने वाली हूँ। थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ मैं इसको अभी मैरिनेट करने वाली हूँ। इसको मैं अभी हल्का हल्का सा फ्राई करूंगी, ज़्यादा नहीं। हल्दी और नमक के साथ मैंने झींगा फिश जो है इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको मैं अभी हल्का हल्का सा मैं फ्राई करने वाली हूँ। और ये रेसिपी बनाने के लिए मेरे को जो सब मसाला चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ऑनियन पेस्ट, ऑनियन को मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है टोमेटो प्यूरी, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा कर्ड, और ये लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा साबुत जो मसाला होते हैं ना, दालचीनी, तेजपत्ता या इलायची जो भी है, और यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा हरी मिर्ची। तो चलो देरी ना करते हुए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई को एक बार मैंने अच्छे से धो के चूल्हे पे बिठा दिया है, अभी इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें ऑयल डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो फिश को मैं सबसे पहले अभी हल्का हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे फिश हमारा हल्का हल्का सा फ्राई हो गया है, तो इसको मैं अभी निकाल दूंगी और बाकी बचे हुए फिश को मैं अभी डाल दूंगी। ये भी हल्का हल्का सा फ्राई हो गया है, तो इसको मैं अभी निकाल रही हूँ। अभी इसी कढ़ाई में मैं फिर से और थोड़ा ऑयल डाल दूंगी और इस पे मैं डाल दूंगी अभी साबुत जो मसाला है वो, तेजपत्ता, दालचीनी, ऑनियन जो मैंने पेस्ट बना के रखा है वो मैं अभी डाल दूंगी।
इसको एकदम लो फ्लेम में रखना है ताकि मसाला जो है वो जल ना जाए, और इसको मिक्स करते रहना है ताकि ऑनियन पेस्ट जो मैंने डाला है वो ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो। अभी मैं इस पे डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, एकदम हल्का सा बस। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने जो लिया है ये मैं अभी डाल दूंगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर, गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अभी टमाटो प्यूरी जो मैंने रेडी करके रखा है इसको मैं अभी डाल दूंगी। अभी कार्ड जो लिया है इसको भी अभी मैं डाल दूंगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इसको पतला बनाने से टेस्ट जो है वो नहीं होता है। तो आप लोग देख ही सकते हो कढ़ी में उबाल आ चुका है। अभी मैं फिश को डाल दूंगी और स्वाद अनुसार नमक, पहले भी मैंने थोड़ा डाला था तो उसी हिसाब से मैं अभी डाल दूंगी। अभी लेट से इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही ढक के रख दूंगी। और ये वाला जो साग है ना, ये मैंने आज सुबह ही अपने गार्डन से तोड़ा था। मेरे को साग वगैरह खाने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को उतना नहीं बट मेरे को पसंद है। मैं दिन में एक टाइम तो ज़रूर लेती हूँ अपने खाने के साथ। तो 2 मिनट के बाद लीड को खोल के मैंने जो हरी मिर्ची लिया था वो मैंने डाल दिया है। मेरे को लगा कि रिकॉर्ड हो रहा बोल के, बाद में मैं कैमरे को चेक कर रही हूँ कि मैंने तो रिकॉर्ड में प्रेस ही नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची डाल दिया और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है। तो मेरा जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको मैं फिर से और एक बार ढक के रख दूँगी, क्योंकि हरी मिर्ची जो मैंने डाला है वो जाल के लिए नहीं, वो स्मेल के लिए। हरी मिर्ची लास्ट में डालने से एक अलग सा स्मेल आता है जो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। फिर से और एक बार इसको 2 मिनट के लिए से ही ढक के रख दूंगी। मेरा जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा फ्रूट्स ले रही हूँ, पता नहीं मेरे को भूख जैसा लग रहा था। बाबा आने के बाद ही मैं लंच करने वाली हूँ, उसका वेट कर रही हूँ। वो भी नहीं है तो अकेले खाने का मन नहीं करता है। वाओ, यू कैन सी गाइस, करी ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैं गैस को ऑफ करके ऐसे ही ढक के रख दूंगी कुछ टाइम के लिए। और पता नहीं कल रात को मेरे को थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो मैंने अपने हेयर पे पूरा ऑयलिंग किया हुआ है जिसके वजह से थोड़ा चिपकू चिपकू सा लग रही हूँ। और मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक ऑयलिंग करके नहीं रख पाती हूँ। अगर रात को करती हूँ तो मैं सुबह ही उठ के मैं वॉश कर देती हूँ, और आज सुबह मेरे को थोड़ा लेट हुआ तो मैं नहीं कर पाई। तो अभी मैं थोड़ी देर में हेयर को वॉश करने वाली हूँ। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत जल्द तो रखने वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।